अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन टू। सो टुडे इज़ आर लेक्चर नंबर 16 एंड टुडे वी विल स्टार्ट आर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1। सो प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 25 फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। सो स्टूडेंट्स, आर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वान्टिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वान्टिटीज़, गिव थ्री एग्जाम्पल्स इन ईच केस। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले क्लास में करवा चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज में है इसलिए आपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लिए अलहदा से एक प्रॉपर पोर्शन बनाना अपनी कॉपी पे और उनको सॉल्व करना है। ओके, तो इसको अटैम्प्ट करने का मेथड ये है, आपने क्या करना है, बेस क्वांटिटीज़ की हेडिंग देनी है, ड्राइव क्वांटिटीज़ की हेडिंग देनी है, सेंटर में आप लोग लाइन लगाओगे और इस तरह से पहले डेफिनेशन लिखोगे, देन एग्जांपल की हेडिंग देके आपने एग्जांपल लिखनी है। ठीक है, हमें पता है बेस क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जो फाउंडेशन होती हैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की, उनको हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज़। इसी तरह से ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ से निकलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़, और उनके एग्जांपल में एरिया, वॉल्यूम, स्पीड एंड फोर्स आ जाते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग, जोल, न्यूटन, किलोग्राम, हर्ट्ज, मोल, एम्पेयर, मीटर, कैल्विन, कूलम एंड फेट। इसमें आपने बेस यूनिट्स जो है ना वो अलहदा करने हैं और जो ड्राइव यूनिट्स हैं उनको अलहदा कर देना। तो इस तरह से आप क्या करोगे, बेस यूनिट्स की हेडिंग दे दोगे, ड्राइव यूनिट्स की हेडिंग दे दोगे। आपके पास बेस यूनिट्स में क्या है, किलोग्राम है, मोल है, एम्पेयर है, मीटर है, केल्विन है, और बाकी जो आपके पास रह जाएंगे वो आपके पास क्या है, ड्राइव यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, दैट इज़ फाइंड द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव क्वांटिटीज़। आपने बताना है ये हमारे पास 4 ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, इनमें जो आपके पास बेस क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं उन क्वांटिटीज़ के बारे में आप हमें बताओगे। ओके, तो सबसे पहले स्पीड है, ये हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, आप क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद स्पीड की हेडिंग दोगे और नीचे लिख दोगे बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड इन स्पीड इज लेंथ, अगेन इन वॉल्यूम, बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड इन वॉल्यूम इज लेंथ। नेक्स्ट है आपके पास फोर्स, बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड इन फोर्स इज लेंथ एंड टाइम, एंड देन वर्क है, बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड इन वर्क इज मास, लेंथ एंड टाइम। इस तरह से अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज़ एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स। स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, हमारे पास जो एज होती है वो किस में होती है, ईयर्स में होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी स्टूडेंट है तो उसकी एज है 15 ईयर्स। ओके, अब 15 ईयर्स है ईयर और देन हमने मूव करना है सेकेंड्स पे, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट आएगा वो क्या आएगा, सेकंड। हमें पता है टाइम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईयर को कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास सबसे पहले ईयर को हमने कन्वर्ट करेंगे हम डेज़ में, देन हमें पता है डेज़ में हमारे पास क्या होते हैं, आवर्स होते हैं, और आवर्स में क्या होते हैं, मिनट्स होते हैं, देन मिनट्स में क्या होते हैं, सेकेंड्स होते हैं। तो इस तरह हम इसकी कन्वर्जन करेंगे। अब आपको पता है एक जो ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं, 365, तो हमारी जो एज थी वो 15 थी, 15 को आपने मल्टीप्लाई करवाया 365 के साथ, तो आपके पास ये आ गई, दैट वाज इन डेज। ओके, अब डेज को हम आवर्स में कन्वर्ट करवाएंगे, आवर्स में आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 24 के साथ। ओके, अब ये हमारे पास आ गया आंसर आवर्स में। अब एक जो और होता है उसमें आपको पता है 60 मिनट्स होते हैं हमारे पास, तो इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 के साथ, देन क्या होगा, सेकेंड्स हमें पता है एक मिनट में 60 सेकेंड्स होता है, तो ये वाली क्वांटिटी को 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये आंसर आ जाएगा। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया जो कि मैंने आपको सिखाया था। ओके, देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ व्हाट रोल ऐसे यूनिट्स हैव प्लेड इन द डिवेलपमेंट ऑफ साइंस। इसके लिए आप आ जाएँ पेज नंबर 5 पे। स्टूडेंट्स, ये जो पैराग्राफ है, विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द नीड फॉर कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वॉज सीरियसली फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेयर्स हेल्ड इन पैरिस इन 1960 अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेयरमेंट्स कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज कॉमनली रेफर्ड टू एज SI। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, इसको आपने लिख लेना है। ओके, देन हम मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट। तो ये मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर दूंगी। वैसे आपको मैंने बताया था कि जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का, उसको हम वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं,
और इसको हम डिफाइन करते हैं द डिफरेंस बिटवीन द मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड लीस्ट काउंट और द वर्नियर कांस्टेंट, और ये हमारे पास होता है 0.1 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, इन 5-6 क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से याद करना है, अपने नोटबुक्स पर लिखना है और चेक करवाना है। ओके, टेक केयर।